कल प्रचार करके लौट रहे थे, परमिशन लेने गए थे, रैली का कागज दिया, उसमें दरोगा बिगड़ गए। अचलगंज का इंस्पेक्टर बेथर चौकी का इंचार्ज, उसने कहा ये समय है 10 बजे का परमिशन लेने का। तो हमारे परमिशन कागज फाड़ के फेंक दिया। हमारे ये साथी थे कुरारी के, देव नारायण पासी उलाहा के, क्या नाम मिश्रा जी, इनको मारने लगा। इनसे कहा तुमको क्यों इनके साथ घूमते हो, इनसे कहा कि कांग्रेस श्रवण विरोधी है, तुम इनके साथ क्यों लगे हो पंडित होके। इन्होंने कहा मेरे पुरखों का इनका रिश्ता है, उलाहा में पढ़े हैं हमसे। जब इनको मारने लगा तो हमने कहा उस तरफ मत देखना, पहले कहा कि नेता चोर होता है, नेता डकैत होता है। हमने कहा किसकी डकैती डाला है इतिहास देख लो, मैं 65 साल का हूँ। तो कहा कि तुम ठाकुर हो, तुमको क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, तुमको आटा बनकर जाने नहीं देंगे। हमका ये समय बताएगा। परमिशन आपको मिली या नहीं? मिल गई परमिशन दिया, मगर पहले परमिशन दिया, मगर हमारे जो बूथ कागज थे तो एजेंट हो गए, बूथ एजेंट, वो आग जल रही थी, बूथ एजेंट कागज को नोच के जल उसमें आग में डाल दिया। अभी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है, और उसके बाद हमको हमारी डिमांड है कि जो सत्ता पक्ष के इशारे पर हमारा अपमान हुआ है, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, सेवा भी किया, और सत्ता पक्ष के इशारे पर हमारा अपमान हुआ है, मैं मानहानि का दावा करूंगा। हमको मैं मेडिकल कराया हूँ हमारे अभी तक कुछ अधिकारियों से शिकायत किया। हमने SP से बात किया रात में, हमने जिलाधिकारी जी से सुबह बात किया, हमने मेडिकल कराया, हम FIR करने जा रहे हैं। हमारी मांग है जो BJP के एजेंट के रूप में SO इंस्पेक्टर अचलगंज बेथर चौकी का प्रभारी, जो BJP का एजेंट है सत्ता पक्ष का, उसको जब तक निलंबित नहीं करोगे तब तक हम अमन चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपना कार्य, हमने शिकायत SP से की है, हमने शिकायत जिलाधिकारी जी से की है। SP ने कहा कि आप फाइट में